हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रसाद आर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट पेस्टल के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कैमल कंपनी की सॉफ्ट पेस्टल बाय की है। इसमें 20 शेड्स हैं। इसका प्राइस लगभग 190 रुपीज़ का है। आपको दिख रहा होगा, अगर तो 190 रुपीज़ में 20 शेड्स मिले हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मतलब, तो चलिए इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल स्टोर से खरीदा था। अगर आप लोग को बाय करना है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका ऊपर का लुक काफ़ी प्यारा है। आपको 190 में 20 शेड्स मिल जाती हैं। इसके ऊपर के पार्ट में एकदम स्पॉन्जी टाइप कुछ एक पेपर टाइप है, और इस कलर को भी सारे कलर को उसी ब्लैक कलर के स्पॉन्ज टाइप में दिया गया है। ये कलर बहुत ही नाजुक होते हैं, शायद इसीलिए कलर को निकालने में मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए। काफी हल्का है और काफी अच्छा फील हो रहा है इसको। तो चलिए एक बार हम लोग इसको यूज करके भी देख लेते हैं। मैं अभी रेड कलर से दो तरफ शेडिंग करूंगी, कलर करूंगी, और दोनों फर्स्ट वाले को मैं फिंगर से ब्लेंड करूंगी और दूसरे वाले को मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो इसमें बहुत सारे डस्ट निकल रहे हैं। मेरा जो पेपर है वो थोड़ा रफ है, एकदम स्मूथ भी नहीं और एकदम रफ भी नहीं है, मीडियम रफ है। अब मैं थोड़ा ऑरेंज से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स तो काफी अच्छे से हुआ, अब मैं येलो से भी मिक्स कर रही हूँ। अब हम लोग ब्लेंड करेंगे। पहले वाले को मैं फिंगर से कर रही हूँ। डस्ट तो निकल रहा है लेकिन काफी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं टिश्यू पेपर से कर रही हूँ तो वो कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। आपको दिख रहा होगा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग एक और ट्राई करते हैं। अब मैं ब्लू कलर और स्काई कलर से कर रही हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले को फिंगर से ब्लेंड करूंगी और दूसरे वाले को ब्रश से ब्लेंड करूंगी। फिंगर से काफी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, लेकिन ब्रश से भी कर रही हूँ तो सेम जैसा मैंने टिश्यू पेपर से किया था वैसा ही। थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है कलर, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलिए मैं एक बार और थोड़ा डार्क करती हूँ। जितना ज्यादा रफ पेपर होगा तो सॉफ्ट पेस्टल उतना ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगी, और हमारा सॉफ्ट पेस्टल इतना वेस्ट भी नहीं होगा जितना मेरा इस पेपर में हो रहा है। और फर्स्ट वाला आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लेंड करके, लेकिन जो मैंने टिश्यू पेपर से किया और जो मैंने ब्रश से किया वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सॉफ्ट पेस्टल को अपने फिंगर से ही मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स होगा। थोड़ा रफ पेपर में यूज़ करें तो कलर ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, कीप इम्प्रूविंग।